दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में लोहे स्क्रैप से सरिया, पाइप और आई बीम से लेकर घरों की छतों में इस्तेमाल होने वाले टिन शेड को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, लोहे और स्टील जैसी धातु का हमारे जीवन में अधिक महत्व है। स्टील जैसे मजबूत धातु का प्रयोग करके आधुनिक मशीनों से अनेक प्रकार की चीजों तैयार की जाती है। इन चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए देखने का एक अलग ही मजा है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि कोई जानकारी छूट ना जाए। लोहे या स्टील की कुछ भी चीज बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रीज में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर द्वारा एक ट्रॉली में लोड कर दिया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप से भरी ट्रॉली को एक बड़ी सी फर्नेस तक लाया जाता है। यहाँ इस ट्रॉली से स्क्रैप को काफी सावधानी से इस फर्निश में डाल दिया जाता है। ये मेल्टिंग फर्निश लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। इसमें फर्निश के अंदर इस स्क्रैप को मेल्ट होने तक गर्म किया जाता है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब यह स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। यहाँ से लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन सभी मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इन मोल्ड से इन हॉट रेड बीम्स को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने पर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। इन बीम्स की मदद से ही अब लोहे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब लोहे के इन बीम से सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाया जाता है और यहाँ पर इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद जब ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाता है तब इन बीम्स को एक एक करके अलग बाहर कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। यहाँ से ये बीम आगे लगी डाई मशीन से गुजारा जाता है जिससे ये बीम पतला और लंबा होता जाता है। एक बार इस बीम की आइडियल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये के शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों में से गुजारा जाता है जिससे ये बीम पतला और लंबा हो जाता है। यहाँ इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी उसमें छोटी डाई दी जाती है और इस तरह से इस लोहे को छोटी से छोटी डाई में से गुजारते हुए ये पतला होता जाता है और एक सरिये की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनल डाई से गुजार कर ये लोहे की रोड एक परफेक्ट सरिये की शेप में आ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ही सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और लोहे के इन्हीं बीम को गर्म करके और भी कई तरह के लोहे के उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें स्टील वायर भी शामिल है। इन बीम्स को डाई में से गुजारते हुए काफी पतला वायर बना लिया जाता है। ये वायर डाई मशीन की मदद से तेजी से छल्लों रूप में आगे की तरफ कन्वेयर पर फेंक दिया जाता है जिसके बाद ये आगे ठंडा हो जाता है। फिर इस वायर को एक अलग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इनके रोल बना दिए जाते हैं और इसी तरह से आई बीम बनाने के लिए भी इन्हें लोहे के बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन बीम्स फर्नेस में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद इन बीम्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे प्रोसेस के लिए लाया जाता है। यहाँ इन बीम को सीधे एक डाई रोलर में से गुजार दिया जाता है जो कि इसे दोनों तरफ से बीच में से दबा देती है। फिर और अच्छे से शेप देने के लिए एक बार फिर से इसे डाई रोलर में से गुजारा जाता है जिसके बाद यह बीम एक आई बीम की शेप लेने लगता है। फिर इस बीम को फाइनली एक बार और डाई मशीन में से गुजारा जाता है जहां यह परफेक्ट आई बीम की शेप में आ जाता है। फिर इस आई बीम को आगे ठंडा होने के लिए निकाल लिया जाता है। इस तरह से इन आई बीम को बनाया जाता है। इन आई बीम का इस्तेमाल ब्रिज और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के साथ बड़े बड़े ट्रेलर बनाने में किया जाता है क्योंकि इस तरह के आई बीम काफी ज्यादा लोड पैर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर स्टील शीट को कैसे बनाया जाता है। जिन स्टील शीट की मदद से घरों पर लगने वाले टीन शेड से लेकर किचन के बर्तन तक बनाए जाते हैं। स्टील शीट बनाने के लिए सबसे पहले लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उसे मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड स्टील की मदद से इस तरह के स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स को बनाया जाता है। फिर इन प्लेट्स को वापस से फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म होने के बाद स्टील की प्लेट को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाया जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट इन प्लेट्स को डाई रोलर तक पहुंचा देता है। यहाँ इस मेटल प्लेट को दो रोलर के बीच से प्रेस करते हुए गुजारा जाता है जिससे ये प्लेट लंबी और पतली होती जाती है। इस तरह से इस प्लेट को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बार बार इस रोलिंग डाई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है जिससे इस प्लेट की फिटनेस काफी कम होती जाती है और इसकी लंबाई बढ़ती जाती है।
जब इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर इस स्टील कोइल में लपेटकर रोल करते हुए प्रेसिंग रोलर में से तब तक गुजारा जाता है जब तक ये शीट अपने आइडियल थिकनेस तक नहीं पहुंच जाती। जब यह शीट पूरी तरह से अपने आइडियल थिकनेस तक पहुंच जाती है तो फिर इस शीट को आगे की तरफ एक कॉइल बना लिया जाता है और फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टील कॉइल को एक मशीन में सेट करके इन शीट की पॉलिशिंग की जाती है, जिसके बाद ये स्टील की चमकदार शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्टील शीट से टीन शेड कैसे बनाए जाते हैं। टीन शेड बनाने के लिए सबसे पहले स्टील शीट के रोल को इस मशीन के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इस शीट को आगे खींचते हुए डाई रोलर के एक लंबे प्लेटफॉर्म पर चलती जाती है, या बीच में लगे डाई रोलर इस शीट को प्रेस करते हुए इसमें नाले की शेप में डिजाइन बनाई जाती है। जैसे जैसे ये शीट आगे बढ़ती जाती है इसमें लगे रोलर्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। ये रोलर्स को इन शीट को प्रेस करते हुए आगे निकालते जाता है, जिससे ये शीट टीन शेड की शेप में आ जाती है। फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि ये डाई मशीन में से गुजारने के बाद ये टीन शेड की शीट एकदम परफेक्ट शेप में आ जाती है। फिर यहां से इस शीट को फिक्स लैंड के टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि इन स्टील शीट की मदद से गोल और स्क्वायर पाइप्स को किस तरह से बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील के कॉइल को एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है, फिर इस स्टील की शीट की एक मुंह को लेकर एक कटिंग मशीन में फिक्स किया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इस शीट को खींचते हुए पतली पतली पट्टियों में काटती जाती है। फिर इन पट्टियों के अलग से कॉइल बना लिया जाती है और फिर इसमें से एक कॉइल को लेकर उसे भी एक प्लेटफॉर्म पर सेट कर दिया जाता है। फिर स्टील की इस पट्टी को पाइप बनाने वाली मशीन में सेट कर दिया जाता है। ये काफी लंबा मशीन प्लेटफॉर्म होता है, जहां स्टील की इस शीट को आगे खींचते हुए डाई रोलर्स के नीचे से गुजारा जाता है। यहां ये डाई रोलर्स स्टील पट्टी को प्रेस करते हुए गोल शेप दे दी जाती है। जैसे जैसे ये पट्टी गोल पाइप की शेप में आती जाती है तो आगे लगी एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन इसके दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए इसे गोल पाइप में बदलती जाती है। फिर आगे इस पाइप की वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दे दी जाती है। फिर आगे एक कटिंग मशीन के जरिए इस पाइप को 20-20 फीट के टुकड़ों में काट दिया जाता है और ठीक इसी तरह से इन स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप को बनाया जाता है। स्क्वायर पाइप को बनाने के लिए सेम इसी तरह का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऊपर बस गोल पाइप की बजाय स्क्वायर पाइप बनाने की डाई लगी हुई होती है, जो कि इस शीट को स्क्वायर शेप में फोल्ड करती जाती है, जिसके बाद इस पाइप के भी दोनों सिरों को वेल्ड करते हुए ये मशीन आगे की तरफ निकालती जाती है। इसके बाद इसकी वेल्डिंग की घिसाई करते हुए इसे फिनिशिंग दे दी जाती है। इस तरह से स्टील शीट की मदद से स्क्वायर पाइप को बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्री मशीन कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।